दोस्तों, अगर आप स्पोर्ट्स के फैन हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स कैन को और दबाए उस बेल आइकन को ताकि आपको स्पोर्ट्स के रिलेटेड न्यूज मिले सबसे पहले। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स कैन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज होने वाले प्रो कबड्डी लीग के इंटर जोन मुकाबले के बारे में, जो कि पटना पायरेट्स और जयपुर पैंथर के बीच खेला जाएगा। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप कबड्डी के फैन हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको कबड्डी से जुड़ी हर खबर मिले सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज खेला जाएगा पटना लीग का पहला मुकाबला, जो कि पटना पायरेट्स और जयपुर पैंथर के बीच होगा। दोस्तों, यह मुकाबला बहुत ही ज़्यादा कांटे वाला होने वाला है, क्योंकि दोनों टीम चाहेंगी इस मुकाबले को जीते। जैसे कि आप जानते हैं कि पटना पायरेट्स ने अब तक अपने जोन में 4 मुकाबले खेले, जिसमें से वो 2 मुकाबले जीते हैं और 2 मुकाबले हारे हैं। और वहीं बात करें जयपुर पैंथर की, तो जयपुर पैंथर ने अपने जोन में 3 मुकाबले खेले, जिसमें से वो 2 मुकाबले हार चुकी है जबकि 1 मुकाबला जीता है। इसलिए दोनों टीम चाहेंगी इस मुकाबले को जीते और अपने पॉइंट को हासिल कर लें। दोस्तों, इस मैच में फिर से प्रदीप नरवाल का जलवा देखने को मिलेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रदीप नरवाल इस समय बहुत ही शानदार फॉर्म में दिख रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने इस लैग में अब तक 4 मुकाबले खेले, जिसमें से वो 4 मुकाबले में 46 रेड पॉइंट हासिल कर चुके हैं। इसलिए यह मुकाबला बहुत ही कांटे वाला होने वाला है, क्योंकि प्रदीप नरवाल बहुत ही चाहेंगे कि रेड पॉइंट हासिल कर सके और अपनी टीम को जिता दें। जबकि बात करें जयपुर पैंथर की, तो जयपुर पैंथर की तरफ से नितिन रावल ने बहुत ही शानदार फॉर्म दिखाया। दोस्तों, उन्होंने अब तक 3 मैच में 18 रेड पॉइंट हासिल कर चुके हैं, तो वो भी चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रेड पॉइंट हासिल कर सकें और जयपुर पैंथर को मैच जिता दें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपकी कौन सी फेवरेट टीम है जो मुकाबला जीत सकती है। और प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल स्पोर्ट्स के ताकि आपको कबड्डी से जुड़ी हर खबर मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।